हेलो एवरीवन, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ये ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस में भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वैसे तो ये फिज़िक्स में भी हम पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, बेसिकली हर जगह इसका यूज़ होता है। जैसे कि देखो, आपने पहले अपने 10th क्लास में, 11th में या फिर 12th में भी कहीं कहीं फिज़िक्स के क्वेश्चन में, बेसिकली 11th क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ट्रेन का या बोट का आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रेन पास करती है या कोई अगर बोट है या फिर कोई स्ट्रीम है जो कि अगर वो एक एक पूरे के पूरे नदी को पास कर रही है तो कितना टाइम ले रही है, या फिर कोई दूसरा उसके साथ अगर कोई आदमी तैर के जा रहा है तो वो कितना वक्त लगा रहा है। बेसिकली डिस्टेंस और टाइम पता करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सो देखो, स्पीड क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। स्पीड जो होती है, हम एक घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करते हैं, एक घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं, उसी को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम बहुत पहले से ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें यही नहीं पता होता है कि हम डिस्टेंस कहाँ पे पुट करें, स्पीड कहाँ पे पुट ऑन करें, कैसे हम उसको सॉल्व करें। तो देखो, हम इस एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बना सकते हैं जिससे हमारा और भी आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। सबसे पहले जो हमारा मेन फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम इससे अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया कि आप डिस्टेंस निकालो तो आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन में दे दिया आप टाइम निकालो तो टाइम को जब आप यहाँ से टाइम निकालोगे तो ये डिस्टेंस इस साइड चला आएगा, मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज का मतलब होता है कि किस अगर हम नॉर्मली ऐसे लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एवरेज का मतलब होता है सभी वैल्यू को पुट ऑन करके जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनसे डिवाइड कर देना। बट यहाँ पे अगर पूछता है कि कितनी एवरेज स्पीड होगी तो स्पीड का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, S1 S2 जो है वो डिस्टेंस को आपके शो कर रहा है। ओके, तो एवरेज स्पीड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 का मतलब है यहाँ पे डबल ऑन हो जाएगा S1 S2 का, मतलब डिस्टेंस जो है आपका वो डबल हो जाएगा अपॉन S1 प्लस S2 हो जाएगा। और सबसे पहली चीज़, हम यहाँ पे ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में किलोमीटर में दे देता है, कभी कभी मीटर में देता है। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस उसकी जो यूनिट है वो किस में दे रखी है, फिर उसी यूनिट में हमें आंसर भी लाना होगा। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर में सारी यूनिट दी है और हम उसको मीटर में आंसर लाएँ, हमें आंसर भी किलोमीटर में ही लेके आना होगा। ओके, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग, ये तो बेसिक है कि किलोमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना होता है तो 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, एंड अगर हमें मीटर से किलोमीटर में करना होता है तो 18/5 कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत काफ़ी छोटा टॉपिक था बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं।